हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी फ्रेंड्स आर अगेन आई केम बैक विद द न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फ्रेंड्स, येस्टरडे आई वाज नॉट अपलोडेड द वीडियो अबाउट आई वाज नॉट गिवन एनी अपडेट्स। सो फ्रॉम टुडे आई विल गिव द कंटिन्यूसली ऑल अपडेट्स ऑन माई चैनल। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, आई विल गिव द होल डिटेल्स ऑफ द ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। आने वाले एपिसोड में ये होने वाला है कि जब सीरत और कार्तिक पतंगबाजी खेलते होते हैं और पतंगबाजी में सीरत जो है सबके पतंग काट देती है और कार्तिक के जो पिता है और कार्तिक के जो दादी है सीरत से काफ़ी नाराज़ है और वो लोग बहुत चिढ़ रहे हैं सीरत से कि वो यहाँ क्यों है, क्योंकि वो लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है सीरत। लेकिन जब पतंग उस बाजी में सीरत कार्तिक से हार जाती है क्योंकि वहाँ पर एक मेंढक आ जाता है और वो मेंढक के वजह से सीरत हार जाती है और हारने के बाद जो वो एक पानी के टब में गिर जाती है तभी सब हंसते हैं और कायरव कार्तिक कुछ ज़्यादा ही हंसते हैं। तभी सीरत बोलती है कि मेंढक कहीं का, ऐसा कहती है। तब उस कार्तिक को डाउट आ जाता है कि कहीं ये नायरा तो नहीं है, ये मेंढक कहीं का क्यों कह रही है, ऐसा तो नायरा ही कहती थी। उसे डाउट आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि जो नायरा को जो टैटू था वो टैटू सीरत को है या नहीं वो देखना डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ गायू जो है सीरत को नायरा ही मानती है और उसने सीरत को नायरा के कमरे में लेके गई, लेके जाके उसके सारे चीज़ें, उसके सारी पुरानी यादें, सारी तस्वीरें, फ़ोटोज़, जो भी उसके जुड़े हर एक अब थी वो सबको दिखाती है, सब कुछ नायरा को यानी सीरत को दिखाती है। और ताजुब वाली बात यह है कि सीरत को बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है वो सब कुछ देख के, अंदर से कुछ अजीब सा बेचैनी होते रहती है, बहुत परेशान होती है और सीरत बहुत कंफ्यूज होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा बहुत परेशान रहती है। क्योंकि जो जो सीरत को सब कुछ दिखाया जा रहा है वहाँ पर, जो गायू स्पेशली रूम में कायरव के नायरा के रूम में लेकर आई है, सब कुछ दिखा रही है, बहुत कंफ्यूज हो जाती है सीरत। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली सीरत ही नायरा है, लेकिन वो सीरत नायरा सीरत क्यों बनी, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो आपको हम आने वाले एपिसोड के जो भी डिटेल्स हैं हम उसमें ही बताएंगे। लेकिन ये तो कंफर्मेशन हो गया फ्रेंड्स कि सीरत ही नायरा है, लेकिन सीरत नायरा सीरत क्यों बनी है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी अब तक के उसमें यही है कि सीरत ही नायरा है, लेकिन घर वाले तो नहीं समझते और कोई नहीं समझता है, सीरत अलग है और नायरा अलग है, सब यही समझता है। लेकिन सीरत के नानी को पता है वो सारा राज जो सीरत से जुड़ा है। लेकिन अभी घर वाले स्पेशली मनीष जो कार्तिक के पापा है वो सीरत को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो सीरत को बहुत बुरी तरीके से एक काम वाली की तरह डांट देते हैं। तभी वहाँ पे कार्तिक आता है, कार्तिक आके उन्हें सीरत को प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी बहस हो जाती है बाप और बेटे में। तो ये है हमारे एपिसोड के जो भी ट्रैक था अब तक, जो भी हुआ आपने तो देखा ही है। जैसे जब से सीरत घर पहुंची है सीरत को सब लोग पसंद नहीं करने लगे हैं और कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। और रिया जो है आने वाले एपिसोड में सीरत के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़े करने वाली है और हर जगह वो सीरत और कार्तिक के बीच में आने वाली है। लेकिन ये ट्रैक तब तक ही रिया का चलेगा, तब तक वो नायरा का कंफर्मेशन नहीं होगा, तब तक ही रिया कुछ करेगी। अगर जब पता चलेगा कि सीरत ही नायरा है तब रिया का कोई मतलब नहीं है इस घर में, रिया को चले जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जब तक वो सब कुछ आ नहीं जाता, राज खुल नहीं जाता, सीरत और नायरा के बीच का राज खुल नहीं जाता, तब तक तो रिया सीरत को बहुत टॉर्चर करेगी, बहुत इनडायरेक्ट टॉर्चर करते रहेगी। काफ़ी चुनौती आने वाली है गोयनका हाउस में सीरत के लिए। तो फ्रेंड्स आने वाले एपिसोड का, आने वाले न्यू एपिसोड का ट्रैक तो यही है। अब आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और कुछ अपडेट रहा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और कमेंट भी करके बताइए। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, दुआ में यार, अल्लाह हाफिज़।